मुरादाबाद के थाना मझोला के ढक्का विष्णु नगर में होमगार्ड के पुत्र को कुछ युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि होमगार्ड राजेंद्र कुमार का बड़ा बेटा दीपक ई रिक्शा से ईट ढुलाई करा रहा था। ई रिक्शा वाले युवकों उदयपाल, चेतराम व अन्य एक युवक से उसका विवाद हो गया। फिर क्या था, तीनों हमलावरों ने दीपक को पकड़कर उसके सर में ईंटों से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए। ड्यूटी पर गए होमगार्ड पिता राजेंद्र कुमार को जब इस बात का पता चला तो वह भी थाना मंझोला पहुंच गए और हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सर ये क्या नाम है, हम जो ईंटें ढुलवा रहे थे इनसे, तो इन्होंने जो है पहले ईंटें नहीं धोई थी, उसके बाद पैसे मांग रहे थे पहले और हम पैसे देने को मना कर रहे थे, फिर पैसे बाद में ले लेना, पहले ईंटें धो, तो इस चक्कर में झगड़ा हो गया सर। तो उन्होंने मारपीट करी, खुद चार पांच लोंडे और आ गए हॉकी लेके सर और चौका मारा है सर, चौके मार रहे थे सर, पैक पैक टांग में भी लगी उनके, हाथ में भी लगी। और सर क्या नाम है मारने वालों का? सर एक का नाम उदयपाल है, दूसरे का नाम है चेतराम, एक का नाम पता नहीं है सर, इसके हाथ में हॉकी थी। कहाँ की बात है ये? सर विष्णु नगर ढक्का थाना मंझोला मुरादाबाद।